करती हूं आपका M4E न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अंशु शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जनपद के देवकाली ब्लॉक अंतर्गत पहाड़पुर कला ग्राम सभा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर ग्राम प्रधान एवं सचिव मिलकर के सरकारी धन का किस तरह दुरुपयोग करते हैं, यह आम जनता बयां कर रही है कि नाली सफाई के नाम पर पैसे आते हैं, सफाई कर्मी लगे हैं, लेकिन फिर भी सफाई नहीं होती। बात की जाए शौचालय की तो शौचालय की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, 1076 पर भी की गई थी, फिर भी निस्तारण नहीं होता। अधिकारी तो आते हैं लेकिन जाँच के नाम पर लीपापोती एवं निरीक्षण करके चले जाते हैं, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इसमें आम जनमानस का क्या दोष है कि उनको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय और तो और आवास में भी जमकर घोटालेबाजी हुई है। ऐसा नहीं कि पहली बार शिकायत हो रही है, लेकिन ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारी निरीक्षण के नाम पर लगता है कि चढ़ावा का चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। आखिर योगी सरकार में ग्रामीणों की सुनेगा कौन, नवागत जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। आम जनता चाहती है कि इस ग्राम सभा में जिलाधिकारी महोदय खुद जांच करें या निष्पक्ष नामित एजेंसी से जांच करवा सकते हैं। सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट के नाम पर देखा जाए तो घोटाला ही घोटाला लगा हुआ है। सफाई तो दूर की बात है, हर कोई डरा सहमा सा है कोविड-19 से, फिर भी गंदगी के अंबार में जिंदगी चल रही है। आखिर ऐसा क्यों है, क्यों सरकारी धन का दुरुपयोग होता है? जनता का धन जनता को मिलना चाहिए, ना कि लिपापोती करके घोटाले की भेंट चढ़ जाए। विकास कार्य के लिए CDO महोदय से भी आम जनमानस आग्रह करता है कि आप इतने ईमानदार छवि के हैं, फिर भी आपके अधीनस्थ घोटालों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये सोच से परे है। आखिर क्या क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करवाते? ग्रामीणों को लगता है कि आला अधिकारी भी ग्राम प्रधान और सचिव से डरते हैं। अगर डर के छाव में है तो हम जनता का कैसे मिल पाएगा? हम सभी ग्रामवासी आज जो है दिनांक 9/10/2020 को सारे गांववासी जो है इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले नाली को लेकर के हम लोग सारे लोगों की तरफ से एक जो है दरखास्त 10/76 मुख्यमंत्री पटल पे जो है दिया गया था, मगर आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बार बार कहने के बाद भी गांव की नाली सारी जो है खराब हुई है। नालियों में न तो जो है मतलब पानी निकल पा रहा है, न लोग जो है मतलब कोई कार्य कर पा रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं, पानी का निकास नहीं है, जगह जगह जो है नालियां जाम है। उसके बावजूद भी जो है मतलब कोई अधिकारी न तया करके यहाँ इसको देखा और न जो कोई बात किया और न सफाई कर्मियों को लगाया गया। उसके बावजूद जो है 10/76 पटल की शिकायत का जो है निस्तारण दिखा दिया गया कि नहीं, जो है गांव के जो है मतलब नालियों का निस्तारण कर दिया गया, सफाई का कार्य किया जा रहा है, मगर आज तक मौके पर कोई जो है कार्य नहीं किया गया। स्थिति यहाँ जस की तस बनी हुई है, न तो कोई जो है मतलब अधिकारी आ रहा है, न कोई सफाई कर्मी आ रहे हैं भी तो देख करके बार बार चले जा रहे हैं, और आज तक 4 साल हो गया कोई सफाई कर्मी मौके पर आकर के सफाई नहीं किया। आज जो सारे गांववासी जो इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि नहीं जो है मतलब या तो सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगा करके उनसे काम लिया जाए या सफाई कर्मियों को गांव से हटा दिया जाए। सफाई कर्मी का जब काम ही नहीं, हम सारे लोग अपने अपना नालियों पर सफाई अपने आप करते हैं, उसके बावजूद भी वो जो है न तैयारते हैं न जो मतलब कार्य करते हैं, और उनकी हाजिरी बन जाती है और वो पैसा लेकर के चले जाते हैं, कोई नेतृत्व नहीं है। उसके बावजूद भी जो है गाँव जो है चुपचाप बैठा हुआ है कि नहीं जो चलिए ठीक है देखा जाएगा, अपना अपना सारे लोग अपना काम कर ले रहे हैं। नाली का नालियां जो भरी हुई हैं, इससे जो है काश्तकारों के खेत में पानी जा करके जमा हुआ है, नाली जो टूट करके और जो भर करके वो 5 साल से पड़ी हुई है, उससे पानी आज तक नहीं निकल रहा है। मौके पर जो है आकर के सारे अधिकारी देखे भी हैं, ग्राम सचिव और जो है मतलब ग्राम पंचायत KDO पंचायत साहब भी आकर के मौके की जो है मुआयना करके गए, मगर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। अभी हम जो दिखा रहे हैं ये नाली जो पूर्व की बनी हुई है और सारी जो है मतलब जो साइड बने जाम है, देख लीजिए आगे दिखाओ जो। गाजीपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल M4E न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको सभी न्यूज समय से प्राप्त होती रहें। आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं।